बिहार के पूर्णिया में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना केनगर प्रखंड झुन्नी कला निवासी रोहक टोली के रहने वाले 45 वर्षीय राजकुमार मेहता, जिनको 24 जुलाई 2024 को 12 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। FSL की टीम ने अगले दिन घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू की। भाजपा ने इसे नृशंस हत्याकांड करार देते हुए बताया कि महागठबंधन सरकार के गुंडा राज में पूर्णिया जिले के झुन्नी निवासी भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की अपराधियों द्वारा छुरा और चाकू से अंग अंग काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। विजय कुमार सिन्हा ने राजकुमार मेहता के पार्थिव शरीर पर पार्टी का ध्वज ओढ़कर श्रद्धांजलि दी। राजकुमार मेहता मेडिकल दुकान चलाते थे। वारदात के बाद जल्दी जल्दी में आसपास के लोगों ने उन्हें पूर्णिया मैक्स अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजकुमार मेहता पथ निर्माण विभाग में भी कार्य करते थे। ड्यूटी के बाद वह नारजी चौक स्थित अपनी दुकान को खोलते थे। यह घटना झुन्नी इस्तमरार पंचायत और बिलारिका वंगज बॉर्डर स्थित बड़ी नहर के कलवट के पास हुई। यह घटना रात के 9 बजे हुई, जब वो दुकान बंद करके अपनी बाइक से घर जा रहे थे। उनके घर के पास के ही एक व्यक्ति ने दवा लेने के लिए उन्हें फ़ोन किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो राजकुमार मेहता का खून से लथपथ पाया गया। उनकी बाइक अब तक गायब है। घटनास्थल से 2 चाकू के अलावा 1 बाइक की चाबी भी बरामद की गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के अनुसार ये हत्या लूटपाट के लिए भी हो सकती है। हालांकि अभी भी पुलिस जांच जारी है।